आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे की मलाई करी। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में अब डालेंगे सरसों के तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ अंडा। अंडा को मैंने पहले से ही बॉयल करके छिलका हटा के एक छोटा सा कट लगा के रख दिया था। अंडा को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। बहुत अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। अंडा को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। देखिए अंडा जो है ये फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी ऑयल में डालेंगे लहसुन की पेस्ट। लहसुन की पेस्ट को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। नमक डालने से क्या होता है, हमारा जो ये टमाटर है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। देखिए हमारा जो टमाटर है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसको हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक मसाले से ये तेल ना छूट जाए। देखिए ये फ्राई हो चुका है और मसाले से तेल भी छूटने लगे हैं। इसके बाद हम डालेंगे उबाला हुआ दूध। दूध को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। दूध में उबल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी। चीनी को स्वाद के मुताबिक डालेंगे। चीनी को हम बॉयल आने के बाद ही डालेंगे। इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। चीनी को मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा उबल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। देखिए दूध में उबल आ चुका है। इसके बाद हम डालेंगे अंडा। अंडा को बहुत अच्छे से करी के साथ मिला लेंगे। अंडा को करी के साथ तब तक उबालेंगे जब तक इसका जो करी है ठीक ना हो जाए। देखिए हमारा जो ग्रेवी है ये बहुत थिक हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे घी। घी को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए हमारा जो आंडा मलाई करी है ये बनके तैयार है। इसको आप चावल पराठा रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं।